नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और ज्यादा आसान बना दिया है। 2021 में आप योनो बड़ा इजीली रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले ये समझिए कि पहले जब आप योनो रजिस्ट्रेशन करते थे तो आपको CIF नंबर की जरूरत पड़ती थी और जो यूजर नेम था वो आपको टेम्परेरी क्रिएट करना पड़ता था और प्रोसेस दो स्टेप्स में जाता था। अब ये बहुत आसान हो गया है। आपको अपने साथ ATM कार्ड रखना है, अपना अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो रखना है। ये एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस है। आप अपना यूजर आईडी भी क्रिएट कर पाएंगे और MPIN भी आप जनरेट कर सकते हैं। आइए हम लाइव डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से नया प्रोसेस आसान हो गया है। आपके सामने योनो ऐप खुली हुई है। योनो ऐप जब पहली बार खुलती है तो ये आपके सामने इस तरह नजर आएगा। तो आपको तीन चार ऑप्शन आएंगे और नजर तो आपको उसमें एग्जिस्टिंग यूजर करना है, फिर रजिस्टर्ड विथ माय ATM कार्ड पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है और फिर डेट ऑफ बर्थ। ये एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा तो फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट की बटन पर, सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट की बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम कुछ देर रुकेगा, फिर उसके बाद ये अगली स्क्रीन पर पहुंच जाएगा जहां आपको तीन ऑप्शन होंगे कि आपको व्यू राइट चाहिए, लिमिटेड राइट चाहिए या फुल राइट्स। आपकी मर्जी हो, तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तब नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर ATM कार्ड की डिटेल डालनी है। ATM कार्ड की लास्ट की 6 डिजिट आपको सबसे पहले डालना है, फिर उसके बाद ATM कार्ड का पिन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। पिन नंबर एंटर करने के बाद सबमिट की बटन पर आप क्लिक करेंगे, फिर अगली स्क्रीन पर आप अपना मनचाहा यूजर नेम क्रिएट करेंगे और एक पासवर्ड जो कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप ये याद रखिए, यूजर नेम में आपका एक न्यूमेरिकल, एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर जरूर आना चाहिए। इसके बाद तब आप ये दोनों चीजें सेलेक्ट कर लेंगे तो आप नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देंगे। कंफर्मेशन की बटन पे तब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी अगली स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन का। ये सिस्टम थोड़ा टाइम लेगा, फिर यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, यानी कि अब आपका सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है अकाउंट आपकी जो योनो ऐप के ऊपर। अब आप सेट MPIN कर सकते हैं। सेट MPIN पर क्लिक करेंगे तो कंसेंट फॉर्म पर आपको नेक्स्ट की बटन पे एक्नॉलेज करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद फिर अगली स्क्रीन खुलेगी जिसपे आपको 6 डिजिट का अपना मनचाहा MPIN डालना है। यहाँ पर आप अपनी 6 डिजिट का कोई भी मनचाहा MPIN डाल सकते हैं जिसको आपकी याद कर सके। छह पिन का, फिर आप नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल भी साथ में रखना है अगर ये मोबाइल आपका रजिस्टर्ड ना हो तो। नेक्स्ट की बटन पे आपने क्लिक किया, OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, वो आपको एंटर करना है। फिर आप नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर ये आपका कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, मतलब अब आपका MPIN सेट हो चुका है। आप योनो ऐप से बाहर निकलकर दोबारा अपने सिर्फ MPIN के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप बाहर आ गए, अब आप दोबारा जाइए योनो ऐप पर तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने जो 6 डिजिट का MPIN सेट किया था वो यहाँ आपको एंटर करना है। अब आप यहाँ पर 6 पिन का डिजिट का अपना MPIN एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद ये योनो की पहली स्क्रीन खुल जाएगी, इस पर आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं योनो के ट्रांजेक्शंस। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि योनो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा
और अब आप इसको सक्सेसफुली खुद भी घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं। प्लीज मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान मिलता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।